10 यूनिक ऐप्स जो आपको डाउनलोड करने चाहिए वो तो बताऊंगा ही, मगर उससे पहले ये याद है ना यार, अभी मैंने एक पोल रखा था, वोट्स आया उस पर कुछ टॉपिक पे, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनमें से किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊं। तो उसके लिए सॉरी, वुड यू एक्सेप्ट माई अपोलॉजी? चला जा। ओके, तो टॉप 10 ऐप्स ये रहे। नहीं एक सेकंड, कुछ बोल रहे ना। हाँ, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर देना इस वीडियो को। फ्री फायर नॉट सो यूनिक नाउ। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं कि मैं आपको ऐसे ऐप्स बताऊंगा जिनको डाउनलोड करने के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपके पास S22 अल्ट्रा है या नोकिया 3310। 3310 ज्यादा हो गया, या फिर कोई भी लो एंड स्पेक्स वाला फोन। और ये सारे ऐप्स है फोन को अपने मॉडिफाई करने के लिए, कुछ पे करना जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे। सो पहला ऐप है निगारा लॉन्चर। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने इंटरफेस से बोर हो जाता हूँ फोन के, और आई नो आप भी हो ही होंगे, कभी ना कभी बोर हो जाएंगे तो वहां आता है ये लॉन्चर। ये लॉन्चर वो ट्रेडिशनल ऐप ड्रॉअर पैराडाइम को हटा देता है, और ये लॉन्चर ऐसी कैपेबिलिटी रखता है कि ये आपको आपके फेवरेट ऐप्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिखा सके आपको। इसका नेविगेशन काफी ज्यादा क्लीन है और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ऑफकोर्स इसकी मैक्सिमम चीजें खोलने के लिए आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, बट बहुत सारी चीजें इसमें फ्री है। मैं बोर होता हूँ मैं इसे यूज करता हूँ। दूसरा ऐप है नोशन। नोशन आपका एक पर्सनल और टीम प्रोडक्टिविटी हब है। ये यूजर्स को कस्टम प्राइवेट या फिर शेयर्ड वर्क स्पेसेस को बनाने में हेल्प करता है। यहाँ से आप वर्सटाइल ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हो। इट कैन एक्ट लाइक बुकमार्क्स, इमेज, टॉगल लिंक्स, फाइल्स, डिस्कशन सेक्शंस एंड मोर। इसमें आप अपना वर्क स्पेस कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप कोई भी इंडिविजुअल कंटेंट वाला ब्लॉग कहीं से भी ड्रैग करके कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो बिना पूरे डॉक्यूमेंट को डिसरप्ट किए हुए। अगर आप कोई भी स्प्रेडशीट या फिर नोट्स वगैरह का काम कर रहे हो, नोशन का पावरफुल बिल्डिंग आपके काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। जो नोशन का फ्री वर्जन है उसमें आप 1000 कंटेंट के ब्लॉक्स को सिंक और सेव कर सकते हो, और प्रीमियम वर्जन जिसमें पैसा देना होता है वो इन सारे लिमिट्स को हटा देता है। थर्ड ऐप है विस्क। विस्क में आप मील प्लानिंग कर सकते हो, इसका रेसिपी ऑर्गेनाइजर काफी सारे कुकिंग एप्स और वेब से रेसिपी खींच के उस ऐप में आपको शो करता है, इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट करते हुए और इवन साइज के हिसाब से। फिर बस इसका एक ही बटन उस रेसिपी को शॉपिंग लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उसके बाद आपके शॉपिंग में काफी काम आने वाला है। इन सारी चीजों के साथ साथ विस्क आपको कम्युनिटीज भी प्रोवाइड करेगा, जिसमें बहुत सारे कुक्स होंगे और वो अपने रेसिपीज शेयर करेंगे। और यार इसका मील प्लानिंग फीचर की मदद से अब पूरे वीक सबको क्या सर्व करने वाले वो सब प्लान हो जाता है बहुत इजीली। एक फ्री एंड्रॉइड में इतनी सारी चीजें मिलती नहीं है, बट इसमें है। चौथे ऐप का नाम है वो बॉट। ये ऐप एक चैटबॉट टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये जो ऐप है वो एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे बेस्ड है। इन शॉर्ट इसमें आप अपने लाइफ के बारे में इससे बात कर सकते हो, और ये आपको एक केयरिंग वे में आई गेस रिप्लाई करेगा। ये ऐप एक बढ़िया थेरेपिस्ट की तरह काम नहीं करता, बल्कि ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये आपको रेगुलरली चेक करता रहेगा, ये ऐप आपसे रेगुलरली बात कर सकता है, और इसे आपका यही एम है कि ये आपके इमोशनल और मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करे। पांचवें ऐप का नाम है नोवा लॉन्चर। आई बेट आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, या फिर बहुत सारे तो यूज भी करके बैठे होंगे। मैंने खुद इसे 1-2 साल तक यूज किया है, और इसका इंटरफेस इतना कस्टमाइजेबल है कि पूछो मत। इसमें आप अपने ऐप्स के शेप्स और साइजेस बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फंड्स का ऑप्शन है, उनको भी कस्टमाइज कर सकते हो आप, और ट्रस्ट में आप बहुत कूल बना सकते हो अपने फोन को इस ऐप के थ्रू। मैं थक गया यार, बाकी ऐप्स मैं कल बताऊंगा, बाय। तो डे 2 और बिना टाइम वेस्ट किए 6th ऐप का नाम है स्ट्रावा। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रनिंग और साइकिलिंग ट्रैकर ऐप है। स्ट्रावा ने गेमिफाइड फीचर्स अपने ऐप में रखा है ताकि आपको रन ट्रैकिंग के साथ साथ एक कॉम्पिटेटिव एज भी मिले। फर्क नहीं पड़ता अगर आप दौड़ रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर स्विमिंग कर रहे हो। ये ऐप रिकॉर्ड करता है आपके रनिंग स्पीड को, डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया उसको, फिर टाइम को, और ये आपके स्टैट्स को लीडर बोर्ड्स के साथ भी कंबाइन करता है, और बहुत सारे अचीवमेंट्स और चैलेंजेस के साथ भी। स्ट्रावा काफी सारे रनिंग ट्रैकर्स को सपोर्ट करता है, लाइक VROS एंड एप्पल वॉच। इसका जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, मतलब जिसमें आपको पैसे देने होंगे, उससे इस ऐप के काफी सारे एबिलिटीज और भी खुल सकते हैं, बट बेसिक आपके लिए ये ठीक है, तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। 7th ऐप का नाम है AccuWeather। डार्क स्काई अभी जा चुका है प्ले स्टोर से। तो AccuWeather ये एक ऐसा ऐप है इधर जो कि आपको डिटेल्ड और टाइमली वेदर फोरकास्ट बताता है, 15 दिन के आउटलुक्स को लेके हाइपर लोकल मिनट कास्ट तक भी। इस ऐप में आपको एनिमेशन के थ्रू वेदर के इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, इसमें रेडार मैप्स होंगे, डिटेल्ड समरीज होगी, और एक पुश नोटिफिकेशन भी होगा वेदर अलर्ट्स के लिए। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी है लाइक AccuCast। ये क्राउड सोर्स्ड वार्निंग पे बेस्ड है, जिसे आपको हजार वेदर या फिर रोड कंडीशंस का पता चलेगा। ये ऐप फीचर करता है कस्टमाइजेबल फोरकास्ट डिटेल्स, वेदर रिलेटेड वीडियोस, एंड ए VROS भी सपोर्ट करता है ताकि आपको फोरकास्ट की इन्फॉर्मेशन आपके वॉच पे भी दिख सके। 8th ऐप का नाम है IFTTT। अगर आपको लगता है आप अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो एक ही इंटरनेट टास्क पे बार बार, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप अपने टास्क को बस ऑटोमेट कर दो आपके फोन पे, देन डाउनलोड करो IFTTT।
टी। ये काफी सारे प्रीबिल्ट टैबलेट्स के साथ आता है क्योंकि काफी सारे टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं, लाइक बैकिंग योर फोटोज इन योर क्लाउड अकाउंट, या फिर जब आप मार्केट में हो तो आपको अपने दोस्तों को मैसेज भेजना है कि आप मार्केट में हो, या फिर पेरेंट्स को, और या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके घर के लाइट्स ऑन हो जाए अगर आप घर पहुंचो। इस ऐप में यूजर कस्टमाइजेबल टास्क भी बना सकते हैं टैबलेट्स और सर्विसेज के थ्रू, कंबाइनिंग द मल्टीपल टास्क एंड ट्रिगर्स इन एन इफ दिस देन दैट स्ट्रक्चर। 9th ऐप का नाम है बिटमोजी। स्टैंडर्ड इमोजीज को यूज करते करते अगर थक गए हो तो ये ऐप आपके लिए है। बिटमोजी की हेल्प से आप अपना पर्सनल इमोजी क्रिएट कर सकते हो जो आपकी तरह दिख सकता है और आप ही की तरफ से कम्युनिकेट कर सकता है। ये काफी एक नीट और पॉपुलर ऐप है जो कि स्नैपचैट और काफी सारे अलग कम्युनिकेशन ऐप्स में काम करता है। 10th और लास्ट ऐप का नाम है कॉन्टैक्ट्स प्लस। कॉन्टैक्ट्स प्लस एक एड्रेस बुक रिप्लेसमेंट है जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और आपके कॉन्टैक्ट्स को काफी सारे सोशल मीडिया अकाउंट से इंटीग्रेट कर सकता है। ये ऐप ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन लेता है, लाइक फेसबुक से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, और आपको सारी चीजें एक जगह एक्सेस करने में हेल्प करता है। इसकी मदद से आप अपने रीसेंट कम्युनिकेशन देख सकते हो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स से, आप अपने कन्वर्सेशन हिस्ट्रीज को स्टोर करके रख सकते हो, चाहे वो फ्रेंड से हो, फैमिली से हो, या फिर कलीग से हो। और ये थे 10 ऐप्स। बोनस में एक और ऐप है, इस ऐप का नाम है, ये ऐप अभी तक बना नहीं है, इस ऐप का नाम है सब्सक्राइब बटन। तो यार 1000 करवाओ, लाइक करो ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और यूट्यूब मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, बाय।